फिरोजाबाद में अहिल्याबाई होलकर की 296वीं जन्म जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर टुंडला और नगर विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान उनके आचार विचारों को याद किया और उनके पदचिन्हों पर चलने की प्रेरणा ली। 31 मई यानी प्रेरणा स्रोत रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म महोत्सव 296वीं जन्म जयंती आज फिरोजाबाद के कोटला रोड स्थित मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान टुंडला प्रेमपाल धनकर, नगर विधायक मनीष असीजा और समाज सेवी गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके आचार विचारों को याद किया गया, साथ ही उनके योगदान की चर्चा की और उनके पदचिन्हों पर चलने की प्रेरणा ली। कार्यक्रम के दौरान जय घोषों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। जी और पूर्णा विधायक श्री प्रेमपाल जी धनकर साहब एवं हमारे नगर जिला अध्यक्ष श्री राकेश चंद्रमा जी और सभी समाज के लोग उपस्थित हुए, मैं उनका सादर अभिनंदन स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सत्यवाई होकर की जयंती समारोह है, क्या कहना चाहिए? आज पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में जो पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में जो आज हम मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, ऐसी हमारी पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी समाज के बंधुओं को साधुवाद और धन्यवाद देते हुए को समाज के सभी लोग और हर समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जिन्होंने आज जयंती मनाने का काम किया है। लंबे समय से वो उनका जन्म 31 मई 1725 में हुआ, उनका लालन पालन बहुत गरीबी में हुआ। उनके ससुर मदार राव होलकर, उनके बेटे खांडेराव होलकर, उनके नेतृत्व में उन्होंने शासन किया। उनकी पति की मृत्यु, ससुर की मृत्यु और जैसे बेटे की मृत्यु भी, क्योंकि वो न्याय की देवी कही जाती थी, उनके बेटे ने अन्याय किया था तो अन्याय के प्रति उन्होंने उनको हाथियों के पैरों से कुचलवा करके उनकी मृत्यु दंड देने का काम किया। ऐसी न्याय की देवी हमारी पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने अभी हमारे विधायक जी ने बताया था कि काफ़ी मठ बनवाए, 12,672 मठों का निर्माण किया, क्योंकि पूर्व शासक जो मुगल शासक रहे थे उन्होंने हमारे देश के अंदर जितने भी मठ थे, मंदिर थे, उन्हें तोड़वा दिया था। पुनर्निर्माण के लिए हमारी देवी अहिल्याबाई होलकर ने बीड़ा उठाया और पूरे देश के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर उन्होंने मंदिरों और मठों का निर्माण किया। तो ऐसी हमारी देवी अहिल्याबाई होलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि ऐसे न्याय की देवी और ऐसी शासिका रही जिन्होंने पूरे देश में शासन किया और उनके हम जो है वंशज हैं, जो आज यहाँ पर हम एकत्रित होकर के उनकी पुण्यतिथि नहीं जयंती मनाने के लिए उपस्थित हैं, तो हम सब उनके आदर्शों पर चल करके, उनके मार्गदर्शों पर चल करके हम सब लोग पूरे देश के अंदर, समाज में, अन्य समाजों में एक सेवा का भाव लेकर के हम सब लोग समर्पित भाव से उनकी जयंती मनाने के लिए उपस्थित हों और संकल्प लें कि हम सब लोग उनके आदर्शों पर चल के ऐसा ही कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माता लोक भाई अहिल्याबाई होलकर की जयंती है, इस अवसर पर क्या कहें? देखिए, प्रातः स्मरणीय पुण्य श्लोका पूज्य देवी माता लोक माता जी के आज जन्म जयंती अवसर पर पूरे देश, पूरे राष्ट्र की
सर्व समाज की तरह हम सब लोग भी पूज्य माता के चरणों में नमन कर कृतज्ञता और गौरवान्वित भाव को अनुभव कर रहे हैं। जहाँ अनेक प्रकार की राजसत्ताओं के इतिहास में राजा रानियों के पराक्रम, युद्ध की नीति, उनके साम्राज्य विस्तार के इतिहास के पन्ने दर्ज हैं, वहाँ पूज्य लोक माता भारतीय विश्व इतिहास की एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था की प्रमुख थी। मैं उनको शासिका कहने में संकोच करूँगा कि जिनको उनके समाज ने, पूरे भारत ने लोक माता का दर्जा दिया। एक माता सबसे बड़ा दर्जा रखती है। माँ निस्वार्थ भाव से जैसे शिशु को अपने गर्भ में पालती है, उसके बाद अपने खून से और अपने दूध से उसको सिंचित करती है, ऐसी लोक माता ने अपनी प्रजा, अपने देश की, अपने राज्य की सीमाओं के निवासियों की सेवा करी, मातृत्व के साथ उनका लालन पालन किया। एक ऐसी शासिका ऐसे कालखंड में जहाँ महिलाएं अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में थी, जवानी में बहुत ही अल्पावस्था में उनके जीवन साथी, उनके पति का साथ छूट गया, उनके जवान पुत्र का साथ छूट गया, दामाद की मृत्यु हो गई, बूढ़ा ससुर की मृत्यु, कितने लोक माता देवी के कंधों पर कितने कितने बड़े वज्रपात हुए। देश में आक्रांताओं का साम्राज्य था, विरोधियों से, आक्रांताओं से राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करना, प्रजा के प्रति कर्तव्य बोध के साथ लालन पालन करना, लोक माता ने जो इतिहास में अपना कृतित्व हम सबके सामने रखा है, युगों युग बीत जाएंगे उनके कृतित्व को कोई समाज भुला नहीं पाएगा। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने समाज की और अपने राज्य की सीमाओं से आगे बढ़कर काम किए। गया में, बनारस में, काशी में, चारों धाम में, हरिद्वार में, अमरनाथ जी में, कोई ऐसी जगह रामेश्वरम में, सारे ज्योतिर्लिंगों में कोई स्थान ऐसा नहीं रहा जहाँ लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने धर्मार्थियों के लिए धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ी, धर्मशालाएं, मार्ग, ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का कृतित्व और उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने विनम्र कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी हुई हैं, सिक्के जारी हुए हैं, ये सब तो प्रतीकात्मक हैं। लोक माता का जो व्यवहार है प्रत्येक शासन व्यवस्था के लिए आदर्श व्यवहार है। जहाँ शासक शासक नहीं होता, वह सेवक से भी बढ़कर एक होता है, उत्तम एक होता है सर्वोत्तम। शासक अगर सेवक भाव से है तो उत्तम है, लेकिन शासक अगर मातृत्व भाव से है, प्रजापालक मातृत्व भाव से है, उससे बड़ा दर्जा किसी का नहीं होता। जो प्रातः स्मरणीय पूज्य लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने, फिरोजाबाद वासियों मत करिए, घर का बॉर्डर पर आयु प्रोविजन पहुँचेगा आपके द्वार रहे, निश्चित फिरोजाबाद के लोग घर पहुंचाएंगे राशन का सामान। हमारे लोग अब घर बैठे अपना किराने का सामान ऑर्डर करे और एक से दो घंटे में सामान की डिलीवरी पाए। संपर्क करे आयु प्रोविजन स्टोर, मोबाइल नंबर 7452097917।